अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सॉसी पोटैटो की रेसिपी, जो कि आपको इसके लिए चाहिए बॉयल पोटैटो। यहाँ पे मैंने 1/2 kg जो है उबले हुए आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉयल करके यहाँ रखा हुआ है। और इसके साथ मैं सबसे पहले जो है ऐड करूँगी सॉस। इसके लिए हम लेंगे एक स्पून, और मैंने यहाँ पर 1/3 कप ली है चिली गार्लिक सॉस। इसमें ऐड करूंगी मैं एक स्मॉल साइज, मैंने यहाँ पे अनियन लिया है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। टू टेबलस्पून जो है सोया सॉस, टू टेबलस्पून विनेगर सफेद सिरका, 1 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon जीरा और 1 teaspoon ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी। उसके साथ ही लूंगी 1 teaspoon खुश्क धनिया, जो कि साबुत धनिया होता है, उसको हाथों की मदद से इतना क्रश करके इसमें ऐड कर दूंगी। और इस सॉस को करेंगे हम मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं इसको कुक करूंगी 3 से 4 मिनट के लिए, इसको मैं कुक करूंगी। तो यहाँ पे मैं एक पैन लूंगी और इसके अंदर जो सॉस है उसको डाल दूंगी। सॉस को हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। जी, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, सॉस जो है वो ठीक हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे चूल्हा बंद कर दूंगी और इस सॉस को जो है दोबारा इस डिनर में जो है निकाल लूंगी। जी, तो इस सॉस के अंदर अब जो है बॉइल किए हुए पोटैटो ये मैं ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। सॉसी से हॉट एंड सॉसी पोटैटो जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पे सॉसी पोटैटो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और देखिए कितने मज़े के ये बने हैं। ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द एक और रेसिपी के साथ आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।